आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में लगातार झमाझम बारिश और बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, इस तरीके की खबरें आपने पढ़ी भी होंगी, देखी भी होंगी। एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए नगर पालिका के पास सड़क पर पानी भरा हुआ है और गिट्टी और रेत नगर पालिका परिषद के ठीक सामने बगरी हुई है। ये सामने दिख रही होगी रेत और गिट्टी। अवैध निर्माण, वैध निर्माण, कैसा निर्माण चल रहा है पता नहीं। जिलाधिकारी संस्कृति जैन, आप भी इसे देख लें। सड़क पर निर्माण सामग्री बगरी हुई आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी और लोहावली जाने वाला मार्ग ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वेनिस की सड़कें हैं। सिवनी की सड़कें वेनिस की सड़कों के मानंद दिख रही हैं, जहां पर सड़क नहीं नहरें हैं घरों के आसपास। देख सकते हैं आप पानी किस कदर भरा हुआ है। नगरपालिका की नायाब इंजीनियरिंग, कांग्रेस शासित नगरपालिका हो या भारतीय जनता पार्टी शासित नगरपालिका, हमेशा से इसी तरह की स्थिति बनी रहती आई है पिछले लगभग दो दशकों से, जब से यहाँ ये डिवाइडर बना है। डिवाइडर बनने के बाद लाखों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, पर पानी की निकासी यहाँ पर बराबर प्रॉपर नहीं हो पाती है। इस मामले में जिन भी अधिकारियों ने यहाँ पर पैसे खर्च किए हों उनसे इसकी वसूली की जानी चाहिए, चाहे वे मुख्य नगरपालिका अधिकारी रहे हों या कार्यपालन यंत्री नगरपालिका के रहे होंगे, सहायक यंत्री रहे हों या सहायक यंत्री या उप यंत्री, जो भी रहा हो तकनीकी अमला, उससे इसकी वसूली की जानी चाहिए। जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को किस कदर हवा में उड़ाया जा रहा है आपके सामने दिख रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय जब पहली बार, ये देखिए नगरपालिका परिषद का कार्यालय और नगरपालिका परिषद के कार्यालय के ठीक सामने की स्थिति ये है, तो दूर कहीं निचली बस्तियों में क्या आलम होगा ये समझा जा सकता है। हम आपको बता रहे थे कि जब दिनेश राय पहली बार निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गए थे, तब वे पतलून चढ़ाकर इन्हीं गलियों में घूमे थे, 2013-14 की बात है, और लगभग 10-11 साल के बाद आज भी वही स्थिति है। बहुत शर्मनाक स्थिति मानी जा सकती है सिवनी के लिए। सिवनी के विधायक दिनेश राय हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, वर्तमान में सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी के है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके बाद सिवनी के लोग नारकीय पीड़ा भोगने को मजबूर हैं। ये आपको दिखाई दे रही होगी सिवनी शहर की जीएन रोड, नगर पालिका के ठीक सामने का आलम। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पूरी तरह मौन धारित किए हुए नजर आते हैं इस मामले में। माफ कीजिएगा, अगर कोई और मामला होता तो पूरी की पूरी नगर पालिका सर पर उठा ली गई होती। नेता प्रतिपक्ष ज्ञानचंद सनोडिया, आप आकर देखें, आप नगर पालिका के ठीक सामने आप देखिए कितने पार्षद आपके साथ हैं, आपकी पार्टी के हैं, और उसके बाद भी इस पानी के भराव को लेकर अगर बहुत ज़्यादा हो हल्ला होगा तो एक पत्र लिख दिया जाए। खतों किताब की सियासत इस कदर हावी है सिवनी जिले में, किसी की जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाती है, सिर्फ पत्र लिख दिए जाते हैं। इसी तरह प्रशासन भी बैठक दर बैठक, अगर आप कलेक्टर कार्यालय में जाकर देखें तो ये देखिए, गिरते गिरते एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर बचा, क्योंकि वहाँ एक गड्ढा था। यहाँ दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी कार्यालय में अगर आप जाएंगे, बैठक दर बैठक, बैठक दर बैठक, बैठकों के अलावा और कुछ नहीं होता, पर जमीनी स्तर पर उन बैठकों में लिए गए निर्देशों का पालन कितना होता है इस बारे में देखने सुनने की फुर्सत शायद किसी को हो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सोमवार का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, सोमवार 22 जुलाई 2024 का। 23 जुलाई को और अधिक बारिश के संकेत मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा दिए गए हैं। यहाँ नीचे से एक अंडरपास भी बनाया गया है पानी निकालने के लिए, पानी के लिए एक नीचे से बनाया गया, उसके बाद भी अगर इतना पानी भर रहा है तो जिस भी अधिकारी के द्वारा वहाँ पर नीचे पानी निकासी के लिए एक नाला बनाया गया था, उससे इसकी वसूली की जानी चाहिए। जनता के धन का अपव्यय इससे बड़ा नहीं हो सकता। सिवनी के विधायक दिनेश राय को चाहिए कि वे इस मामले को विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में लाएँ, मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएँ, स्थानीय शासन मंत्री नगरीय कल्याण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के संज्ञान में लाएँ, प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय या नगरीय कल्याण के संज्ञान में इस बात को लाएं। सिवनी के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो छोटे दुकानदार हैं उन छोटे दुकानदारों के दुकानों में
पानी भर जाता है, दिन भर या महीने भर की कमाई उनकी पूरी की पूरी गीली होकर बर्बाद हो जाती है। विलासिता में घूमने वाले, विलासिता के वाहनों में घूमने वाले, 20-25 लाख रुपए के वाहनों में घूमने वाले सियासी नुमाइंदे इन गरीब गुरबे दुकानदारों का दर्द शायद नहीं समझ पाएंगे। एक समय था जब विधायक राजपरिवहन की बस में यात्रा किया करते थे, अब तो शायद ही कोई बस या ट्रेन से यात्रा करता हो, कोई जनप्रतिनिधि शायद ही करता हो। आप कांग्रेस या भाजपा के जिलाध्यक्षों के पास देख लें, विलासिता वाली गाड़ियां हर जगह मिलेंगी। ये दिखाने की जंग इसे मानी जा सकती है कि एक दूसरे को अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इस तरीके की शायद कवायद की जाती हो। देखिए, ऐसा लग रहा है आप वेनिस की सड़कों में घूम रहे हैं, पानी इस कदर भरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। बुधवारी बाजार के अंदर से मोटरसाइकिल आधी डूबी हुई चली आ रही थी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं है। नगर निगम आयुक्त पद से संस्कृति जैन, जो सिवनी की जिलाधिकारी हैं, वे आई हैं, तो वे बेहतर समझ सकती हैं स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली। सिवनी में नगर पालिका परिषद कांग्रेस की है, विपक्षी दल की है, उसके बाद किस कदर प्रश्रय, लोगों का कहना, ये आरोप हमारा नहीं, लोगों का है, लोगों का स्पष्ट आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा स्पष्ट तौर पर प्रश्रय दिया जाता है कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद को। शहर की साफ सफाई पूरी तरह बैठ चुकी है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर आप सूचना के अधिकार में जानकारी चाहते हैं, जानकारी नहीं दी जाती। अगर आप सीएम हेल्पलाइन 181 में शिकायत करते हैं, तो झूठी शिकायतों का निराकरण बताकर उसे बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि 3-3, 4-4 साल पुरानी शिकायतें आज भी जस की तस खड़ी हुई हैं, जिसमें जिलाधिकारी को एक आवेदक के द्वारा तो पत्र दिया जाकर यहाँ तक कहा गया है कि सीएम हेल्पलाइन ही बंद करा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके के निराकरण उन्होंने बिंदुवार सारी जानकारियाँ जिलाधिकारी को दी हैं, पर जिलाधिकारी ने उस आवेदन पर प्रतिवेदन मांगा है और लगभग एक महीना बीत गया है और प्रतिवेदन अभी तक नगर पालिका परिषद के द्वारा जिलाधिकारी को नहीं भेजा गया है। बहरहाल, ये देख सकते हैं आप बुधवारी में किस कदर यहाँ पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। गरीब दुकानदारों की सुध कौन लेगा? गरीब दुकानदारों की सुध, गरीब गुरबों की सुध लेने के लिए ही इन गरीब गुरबों के द्वारा अपना सांसद, विधायक, पार्षद, नगरपालिका अध्यक्ष चुना जाता है। यहाँ आपको एक भी नगरपालिका का नुमाइंदा नहीं दिख रहा होगा, एक भी कोई पार्षद यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, नगरपालिका अध्यक्ष भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, नगरपालिका के उपाध्यक्ष भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सभापति तक यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, विधायक भी यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सांसद क्योंकि बालाघाट में रहती हैं, इसलिए उनके उपस्थित होने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। लगभग 2 दशकों से लगातार इस पीड़ा को सिवनी के नागरिक भोगते आ रहे हैं। पता नहीं इस नार की पीड़ा से उन्हें कब निजात मिल पाएगी। लोगों का ये भी कहना है कि चूँकि हर साल पानी भरता है, इसलिए यहाँ पर हर साल इस पानी की निकासी की व्यवस्था करने के लिए लाखों रुपए तकनीकी अमले के द्वारा निकाल लिए जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे, वे अगर दोनों जाकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के समक्ष बैठे और पिछले 10 सालों में इस बुधवारी बाजार के पानी निकासी के लिए कितना व्यय किया गया है, इस बारे में अगर वे दरियाफ्त करें तो उन्हें सब कुछ पता चल पाएगा और लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा, पर इसकी गुंजाइश बहुत कम नजर आती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।